एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे होगा, जिसके कारण दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम 221 किलोमीटर 7000 करोड़ का रोड हम बना रहे, जो तेलंगाना में 164 किलोमीटर है। इंदौर से हैदराबाद ये नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीनफील्ड, वो 787 किलोमीटर है, 18000 करोड़ का। और उसके साथ साथ हैदराबाद रायपुर ये 325 किलोमीटर 14000 करोड़ का है। मुझे खुशी है कि ये पूरे हाईवे करीब 1,00,000 करोड़ के है। इसकी लेंथ 843 किलोमीटर है और तेलंगाना में इसकी कॉस्ट 30,000 करोड़ है। मुझे विश्वास है कि हाईवे नेटवर्क खड़ा होने से उद्योग व्यापार को बढ़त मिलेगी। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन ऑफ कैनेडी जी के प्रसिद्ध वाक्य को दोहराते रहता हूं। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो यहाँ के माइनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजनेस को, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, और विशेष रूप से जो डेवलपमेंट की छोटी छोटी सेंटर से उनको जोड़कर हम निश्चित रूप से रोजगार का निर्माण करेंगे। इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, ये निश्चित रूप से ये सपना अमृत काल में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने यही हमें बताया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयासों से इस देश को निर्माण करना है। हमने सभी राज्यों के साथ न्याय करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप करने की कोशिश की है, और उसी से देश के विकास में 4 चांद तो लगेंगे ही, पर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा।